खुल गया लश्कर के आतंकी डेविड कोलमैन हेडली का राहुल कोर्ट। न राहुल गांधी न शाहरुख खान, महेश भट्ट के पुत्र राहुल भट्ट का जिक्र था हेडली के ईमेल में। एफआईए के शिकंजे में फंसे लश्कर के आतंकी तहव्वुर हसन राणा और हेडली के बीच ईमेल से हुई बातचीत में कई बार राहुल का नाम आया था। जांच एजेंसियों ने जब हेडली के फोन डिटेल्स को खंगालना शुरू किया तो सुई राहुल भट्ट पर अटक गई। सनी को इस बात का इल्म हुआ कि शायद ये डेविड हेडली, जिसका जिक्र टेलीविजन पे आए दिन हो रहा है, वो वही डेविड हेडली है जिससे वो कुछ साल पहले, एक दो साल पहले कहीं मिले थे। हेडली से राहुल की मुलाकात जिम में हुई थी। ये मोक्ष जिम है और ऐसा माना जाता है कि यही राहुल भट्ट फिटनेस ट्रेनर के तौर पर काम करते थे और यही उनकी मुलाकात अपनी दोस्त विलास के जरिए डेविड हेडली के साथ हुई। अभिषेक श्रीवास्तव और पंकज उपाध्याय के साथ आरिश चंद्रा, मुंबई आज तक। मुंबई में फिटनेस इंस्ट्रक्टर राहुल भट्ट बन गया था डेविड हेडली के लिए कोड वर्ड। इसी साल जुलाई में हेडली ने अपने आका को मेल लिखा। मुझे लगता है कि जब भी मौका मिले हमें अपनी आखिरी लोकेशन पर फिर से जाना चाहिए और राहुल को हाय बोलना चाहिए। इसका उसी दिन जो जवाब हेडली को मिला वो देखिए। राहुल से मिलना अच्छा आइडिया है, तुम्हारे लिए वहाँ कुछ काम भी है, आगे बढ़ने के लिए मामले काफी हैं। 9 जुलाई को हेडली ने फिर मेल लिखा। जब आप कहते हैं कि आगे बढ़ो तो इसका मतलब उत्तर दिशा में या राहुल की तरफ? जवाब आया, राहुल की तरफ। अगले दिन हेडली ने फिर मेल भेजा जिसमें लिखा, राहुल की जगह पर पिछली बार की तरह किसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को देखने जाना है या कुछ और? इस पर हेडली के आका का जवाब सुनिए। मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान है, राहुल के शहर में तो नहीं बल्कि उसके पास। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में रुका था आतंक का सरगना, पहाड़गंज के दो होटलों में ठहरा था डेविड कोलमैन हेडली। इसी साल यानी 2009 में हेडली दिल्ली आया था। वो राजधानी दिल्ली के पहाड़गंज के इसी आनंद होटल में ठहरा था। किसी को शक न हो इसके लिए हेडली ने अगले दिन अपना होटल भी बदल दिया। बताया जा रहा है कि हेडली पहाड़गंज की टी हॉलीडे इंटरनेशनल में भी ठहरा। जब हमने उनको चेक किया, हमने, हमारा भी फर्ज बनता है कि हमारे मेंबर्स क्या कर रहे हैं, तो हमने जब यहाँ आए तो हमें पता चला कि दोनों ही हमारे मेंबर्स ने बहुत अच्छी तरीके से जो भी नॉर्म्स होते हैं उसको पूरा निभाया हुआ था। पुलिस के मुताबिक हेडली के पास टूरिस्ट वीजा था, लेकिन 10 मार्च के बाद हेडली दिल्ली से कहां गया इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। सूत्रों की माने तो हेडली 2007 में दो बार मुंबई भी आया। इस दौरान उसके होटल ताज, हॉलीडे इन और ट्राइडेंट में ठहरने की बात सामने आ रही है। मुंबई से आरिश चंद्रा के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक। डेविड कोलमैन हेडली के पकड़े जाने के बाद जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरत अंगेज ही नहीं खौफनाक भी हैं। ताज़ा खुलासा यह है कि हेडली ने मुंबई समेत सिर्फ 5 शहरों की ही नहीं 20 से ज्यादा शहरों की खाक छानी थी और उसके निशाने पर पुणे और कोची भी थे। अब पता ये चला है कि 3 साल में कुल मिलाकर हेडली 1 साल पूरे भारत रहा और तमाम जगहों का उसने दौरा किया। हेडली 2006 में लश्कर ए तैयबा में शामिल हुआ था और लश्कर में शामिल होते ही उसने सबसे पहले पासपोर्ट बनवाया। उसका पासपोर्ट अमेरिका से जारी किया गया और उसका नंबर 09753640 है। खास बात यह है कि इस पासपोर्ट में उसने अपना मुस्लिम नाम दाऊद गिलानी की जगह एक अंग्रेज की तरह डेविड कोलमैन हेडली दर्ज कराया। अब हेडली के तार तलाशने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसियां जल्द ही खाड़ी देशों के लिए रवाना होंगी। मुंबई से आरिश चंद्रा के साथ संदीप सोनवलकर, दिल्ली आज तक। नोएडा के सिटी सेंटर से द्वारका की तरफ जाने वाली मेट्रो ट्रेन चलने को तैयार है। नोएडा के लिए शुरू हो गया मेट्रो का सफर। इस सफर में मेट्रो नोएडा के सिटी सेंटर से द्वारका सेक्टर 9 तक करीब 48 किलोमीटर का सफर तय करेगी। द्वारका से नोएडा के बीच सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक मेट्रो की सवारी की जा सकती है। करीब हर 10 मिनट के बाद मिलेगी मेट्रो। द्वारका से चलने वाली हर तीसरी ट्रेन नोएडा के सिटी सेंटर तक जाएगी। ये दूरी तय करने में मेट्रो ट्रेन करीब 90 मिनट का वक्त लेगी। आम लोगों के लिए नोएडा रूट खुलने के साथ ही मेट्रो का बढ़ा हुआ किराया भी शुक्रवार से लागू हो गया। बेशक बढ़े हुए किराए से लोगों को मायूसी जरूर हुई होगी, लेकिन मेट्रो में सफर करने वालों के लिए अगली खुशखबरी, दिल्ली सरकार 24 नवंबर से वन टिकट सिस्टम लागू करने जा रही है, यानी एक ही टिकट पर मेट्रो ट्रेन और डीटीसी बस दोनों का सफर। मुखराम सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।